हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जून में लॉन्च होने वाले कुछ नए फ़ोन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले वीवो की तरफ से वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8 जन 3 का प्रोसेसर मिलेगा, 5700 mAh की बैटरी होगी, 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग एंड 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग होगी, और इसमें हमें जायस कैमराज मिल जाएंगे, और ये फ़ोन 6 जून को जो है लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट फ़ोन जो है वो है Xiaomi CV14। इस फ़ोन में 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले होगा, स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 का प्रोसेसर होगा, 50MP मेन कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा और 12MP वाइड कैमरा होगा, 32+32MP के डुअल सेल्फी कैमरा इसमें आपको मिल जाएंगे। और बैटरी की बात की जाए तो इसमें 4700 mAh की बैटरी होगी 67 वॉट की चार्जिंग के साथ। इसमें आपको मेटल फ्रेम भी मिल जाएगी। कुछ फ़ोन हमें यहाँ पे मई के एंड में ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मोटो का G04S। इस फ़ोन में हमें 6.6 इंच की 90Hz की डिस्प्ले मिल जाएगी, 50MP का कैमरा मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी। परफॉर्मेंस के लिए इसमें यूनिसॉक T606 दे रखा है, और ये जो है 30 मई को लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो Realme Narzo N65 5G भी 31 मई को ही लॉन्च हो जाएगा। इसमें आपको Dimensity 6300 5G मिलेगा, 120Hz की डिस्प्ले होगी, 50MP कैमरा, 5000mAh की बैटरी के साथ 15 वॉट की चार्जिंग इसको मिल जाएगी। और बात की जाए तो Nothing की तरफ से भी हमें Nothing Phone 2A का एक नया कलर मिल जाएगा, और Lava की तरफ से Yuva 5G नाम का एक नया फ़ोन मिल जाएगा। इस फ़ोन में हमें 50MP का कैमरा मिलेगा। ये फ़ोन हमें जल्दी ही लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करना ना भूलें।